हेलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ब्रंकोडाइलेटर मीन्स इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि ब्रंकोडाइलेटर है ऑप्शन ए इज सॉल्ब्यूटामॉल ऑप्शन बी इज रैनिटिडीन ऑप्शन सी इज इकोस्प्रीन एंड ऑप्शन डी डिगोक्सिन दोस्तों इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए सॉलब्यूटामॉल जो कि ब्रोंकोडाइलेटर है तो बाकी के भी एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं उनका कहाँ कहाँ यूज होता है ये जो रैनेटिडीन है

इस रीजन में लोकेटेड किया गया है ऑप्शन ए इज राइट लंबर रीजन ऑप्शन बी इज राइट इलियाक रीजन ऑप्शन सी लेफ्ट इलियाक रीजन एंड ऑप्शन डी राइट हाइपोकोड्रियाक रीजन दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट हाइपोकोन्ड्रियाक रीजन इन रीजन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जान लेते हैं साथ ही इनके अनादर एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं जो राइट हाइपोकोंड्रियाक रीजन है जो कि हमारा आंसर है इसमें कौन से कौन से और ऑर्गन रहते हैं उनके बारे में जानते हैं तो इसमें रहता है इट कंटेन लिवर जो कि राइट लोब वाला गाल ब्लेडर हमारा आंसर है एंड हिपेटिक डक्ट राइट किडनी एंड लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ओके दोस्तों एंड जो राइट लंबर रीजन है ये कंसिस्ट करता है लेफ्ट किडनी पार्ट ऑफ लिवर एंड इंडिंग कोलॉन ओके दोस्तों एंड जो राइट इलियाक रीजन है ये कंटेन करता है अपेंडिक्स सेक्व असेंडिंग कोलॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन लेफ्ट इलिया रीजन कंसिस्ट करता है सिग्मोइड कोलॉन डिसेंडिंग कोलॉन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ओके okay दोस्तों आपको शायद पता होगा दोस्तों की एबडोमिन के टोटल नाइन रीजन होते हैं फर्स्ट रीजन राइट हाइपोकोड्रियाक रीजन सेकेंड राइट लंबर रीजन थर्ड राइट इलियाक रीजन एंड फोर्थ नंबर पर आता इपिगैस्ट्रिक रीजन एंड फिफ्थ नंबर पर आता अम्बेलिकल रीजन एंड सिक्स नंबर पे आता हाइपोगैस्टिक रीजन एंड जो सेवन नंबर पे आता दोस्तों लेफ्ट रीजन एंड नंबर पे आता लेफ्ट लंबर रीजन एंड नाइन नंबर पे आता लेफ्ट इलियाक रीजन ओके दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हैं इसके पे ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री लेग्जेटिव आर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ मीन्स लेग्जेटिव किसके मैनेजमेंट में यूज किया जाता है ऑप्शन ए इज कॉन्स्टिपेशन ऑप्शन बी डायरिया ऑप्शन सी अपेंडिसाइटिस एंड ऑप्शन डी इंटेस्टेनल दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन में का यूज करते हैं ओके दोस्तों तो ये जो बाकी कंडीशन है इनमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं वो भी जान लेते हैं डायरिया में लोपेरामाइड एंड बिस्मत सबसे यूज करते हैं दोस्तों एंड अपेंडिसाइटिस में एंटीबायोटिक यूज करते हैं जनरली जैसे कि सीप्रोफ्लोक्सोसिन पेनिसिलिन अमोक्सीन एटीसी ओके दोस्तों जो इंटेस्टल ऑब्सट्रेक्शन है इसमें प्रोमेथाजिन यूज करते हैं फॉर इमेसिस यानी इमेसिस प्रोड्यूस करने के लिए ओके दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल डेली डोज ऑफ डाइजे पडल्ट मीन्स डाइजे पाम का आइडियल डोज कितना है डेली के लिए इन एडल्ट ओके दोस्तों तो ऑप्शन ए इज 50 टू 60 एम ऑप्शन बी इज 90 टू

डैपोन इज अ मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मीन्स डैपसॉन मेडिसिन इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ऑप्शन ए इपिलेप्सी ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन सी लेप्रोसी एंड ऑप्शन डी मलेरिया तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लेप्रोसी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में डैप्सॉन ड्रग यूज करते हैं ओके दोस्तों अगर यदि आपको लेप्रोसी के जगह हैजनसेंस डिसीज दिखाई दे तो उसे भी क्लिक कर सकते हैं इसका अनादर नेम है एंड जो इसके अनादर एग्जाम्पल है दोस्तों क्लोफाजीमिन रिफाम्पिसिन एंड डैप्सोन सोलोप्सोन ई ओके दोस्तों जो बाकी डिसीज है इनके बारे में भी ड्रग के बारे में जान लेते हैं जो ईपीलेप्सी है इसका ड्रग है गाबापेंटिन वाल्पोरिक एसिड फिनेंटोइन ई ओके दोस्तों जो ट्यूबल क्रॉसिस है इसके ड्रग है पायराजीनामाइड इथामब्यूटॉल आइसोनियाजाइड कैनाइसिन ई ओके दोस्तों एंड मलेरिया uh, इसकी डिसीज़ है क्लोरोक्विन प्रोगोनिल प्रीमिथाम ई टी ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच अमोंग द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन मीन्स इनमें नीचे दिए गए में से कौन सा फंक्शन है इंसुलिन का ओके दोस्तों ऑप्शन ए इज ओविलेशन ऑप्शन बी इज़ इनटेक ऑफ सुगर फ्रॉम द ब्लड इन टिश्यू ऑप्शन सी इनिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एफ एस एच ऑलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन एंड ऑप्शन डी रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क तो दोस्तों इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी इंटेक ऑफ सुगर फ्रॉम द ब्लड इन अ टिशू ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन द फिनिना ऑफ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड मीन्स ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है उस फिनिना को क्या कहते हैं ऑप्शन ए इज हाइपर वॉलीमिया ऑप्शन बीज हाइपो वॉलीमिया ऑप्शन सीज हाइपोग्लाइसीमिया ऑप्शन डी सेप्टेसीमिया तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइपो वॉल्यूमिया ओके दोस्तों बाकी के बारे में भी जान लेते हैं जो हाइपर वॉल्यूमिया है वो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम में यूज करते हैं ओके दोस्तों इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड हाइपोग्लाइसीमिया जो कि हमारा आंसर है तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम में वो यूज करते हैं ओके दोस्तों एंड जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये लो शुगर लेवल में यूज करते हैं शुगर लेवल ओके इन ब्लड ओके एंड जो सेफ्टीसीमिया है सेफ्टीमिया इज इन इन्फेक्शन दैट हैपन वेन बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स इंटर टू ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड थ्रू द बॉडी मीन्स एक इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड uh, होता है जब एक आदा बैक्टीरिया या जर्म हमारे बॉडी के अंदर में जाता है ओके दोस्तों एंड थ्रू ऑल द बॉडी स्प्रेड हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन द मीन्स स्पेशियल मसल मायोकार्डियम किसमें पाया जाता है केवल ऑप्शन ए हार्ट ऑप्शन बी लंग्स ऑप्शन सी स्टोमच एंड ऑप्शन डी ब्रेन तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हार्ट हार्ट में मायोकार्डियम मसल किसु पाया जाता है ओके दोस्तों एंड जो लंग्स में है उसमें लेरा पाया जाता है एंड स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है ओके दोस्तों एंड जो ब्रेन में है मेनेंजेस पाया जाता है ओके okay, दोस्तों ये स्पेशल मसल है जो कि ब्रेन में पाई जाती है नंबर नाइन मेफी प्रिस्टोन टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी अप टू गेसेशन एज ऑफ मीन्स मेफी प्रिस्टोन टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी को अप टू द एज ऑफ ऑप्शन ए इलेवन वीक्स ऑप्शन बी थर्टीन वीक्स ऑप्शन सी फिफ्टीन वीक्स एंड ऑप्शन डी सेवन वीक्स दोस्तों इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी फिफ्टीन वीक्स फिफ्टीन वीक्स तक मेफी प्रिस्टोन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है ओके दोस्तों दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पास हुआ और उसके रूल किस साल लागू हुए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन फिनो बार्बिटोन इज मीन्स फिनो बारबिटोन क्या है ऑप्शन ए अल्ट्रा सॉल्ट एक्टिंग ऑप्शन बी सॉल्ट एक्टिंग ऑप्शन सी इंटरमीडिएट एक्टिंग ऑप्शन डी लॉन्ग एक्टिंग तो दोस्तों इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी लॉन्ग एक्टिंग फिनो लॉन्ग एक्टिंग है और इसके अनादर एग्जाम्पल है दोस्तों दोस्तों ओके और ये जो बाकी के कैटेगरी इनके भी एग्जाम्पल जान लेते हैं अल्ट्राशॉर्ट एक्टिंग में आता है okay, एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम्पल आते हैं एमोबार्बिटोन एंड ब्यूटो बार बिटोन ओके दोस्तों तो चारों भी क्लास है इनकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है कि किस ड्यूरेशन में ड्रग एक्ट करेगा और कितने ड्यूरेशन तक वो एक्शन देंगे तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है ये एक्ट विद इन अ सेकंड में एक्ट हो जाता है और इसकी एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होती है अप टू थर्टी मिनट्स ओके दोस्तों और जो ये शॉर्ट एक्टिंग है एक्ट minutes. ये एक्ट विद इन अ मिनट्स ये मिनट्स में एक्टिवेट होता है और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है टू हवर तक होती है ओके दोस्तों एंड जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग है इसकी जो एक्शन होती है ये इफेक्ट लास्ट अप टू थ्री टू फाइव हॉवर यानी तीन से पाँच घंटे तक ये इंटरमीडिएट एक्टिंग वाला ड्रग अपनी एक्शन शो करता है एंड लॉन्ग एक्टिंग में लास्ट फॉर सिक्स हॉर ये छह घंटों के लिए अपना एक्शन देता है ओके दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है थैंक यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग